डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 26 दिसंबर 2019 और ये जो हमारा एपिसोड नंबर है, एपिसोड नंबर है 516। डेली करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है, मैं रोज सुबह 4 बजे हमारे जो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, उन पर आपके लिए अपलोड करती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी आप क्लिक करें। ये हमारे वेबसाइट्स हैं ssccjlpinnacle.com और बलजीत ढाका। हम आ गए हैं प्रीवियस क्विज पर। यहाँ पर आपके सामने प्रीवियस क्विज के 2 क्वेश्चंस हैं। भारत के नए निवेश सचिव कौन बने हैं? उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये उनका नाम है। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो उनका नाम है हेमंत सोरेन। ये हमारे प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस। आ जाइए आज के पहले प्रश्न पर। यहां पर आपसे पूछा गया है कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग का नाम किस पूर्व उप प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का फैसला किया है? ये हमारा प्रश्न है और इसके लिए उत्तर जो है वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती जो है वो 25 दिसंबर को मनाई जाती है। केंद्र सरकार ने रोहतांग सुरंग को वाजपेयी का नाम देने की घोषणा की है। ये जो सुरंग है ये कुल्लू और हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के बीच सड़क लिंक है और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में सुरंग के लिए आधारशिला रखी थी। सुरंग को मई जून 2020 तक चालू कर दिया जाएगा और सुरंग न केवल लाहौल स्पीति जिले की भूमि को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी बल्कि पर्यटकों को भी जिले में आकर्षित करेगी। तो ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। और जो सीमा सड़क संगठन है उसको 8.82 किलोमीटर की सुरंग के निर्माण का काम सौंपा गया है। तो यहां पर देखिए, अब मैं इससे संबंधित आपको तस्वीर दिखाती हूं। ये देखिए, यहां पर प्रोजेक्ट रोहतांग टनल 8.82 किलोमीटर इन हाई रेंजेस ऑफ द हिमालयन। ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में। थोड़ी और अतिरिक्त जानकारी दे देती हूँ कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जयंती 25 दिसंबर को हम मनाते हैं और सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। साथ ही साथ ये जो सुशासन दिवस है, 2014 में ये फैसला किया था गया था कि इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए अब आ जाइए आप दूसरे प्रश्न पर। यहां पर देखिए क्या है आपके लिए प्रश्न। प्रश्न है कि एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं? ये हमारा दूसरा प्रश्न है और आंसर है यहां पर निरंजन हीरानंदानी। ये हमारा यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर जो है डी है। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। अब यहाँ पर हीरानंदानी ग्रुप के सह संस्थापक और प्रबंध निर्देशक हैं निरंजन हीरानंदानी। इन्होंने जो एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में। अब एक रिवीजन क्वेश्चन भी करा देती हूँ कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसके नए अध्यक्ष, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष जो है वो बनी है डॉक्टर संगीता रेड्डी। तो ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में और थोड़ी अतिरिक्त जानकारी। तीसरा प्रश्न है खेलों से संबंधित। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में एक दिन में 4 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ये आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न 3, और उत्तर जो है यहां पर होगा डी। डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब हुआ मनु भाकर और अनीश भानवाला। इन दोनों ने ही एक दिन में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इन दोनों की तस्वीर भी देखो। ये देखिए, मनु भाकर और अनीश भनवाला ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की, वहां पर महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल और पुरुष 25 मीटर रैपिड एयर पिस्टल स्पर्धा में सीनियर और जूनियर वर्ग में 4-4 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रही 17 साल की मनु भाकर जो हैं, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल सीनियर और जूनियर वर्ग में व्यक्तिगत तथा टीम स्पर्धा में जीते और हरियाणा के ही अनीश ने भी सीनियर और जूनियर वर्ग में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। तो क्वाइट एन अचीवमेंट। आ जाइए अगले प्रश्न पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अटल भूजल योजना जो है वो लॉन्च की है। इस योजना के लिए कुल परिव्यय कितना है, ये हमारा प्रश्न चार है। और प्रश्न चार के लिए उत्तर जो होगा वो होगा 6,000 करोड़। आंसर यहां पर क्या है, आंसर जो है यहां पर सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अटल भूजल योजना शुरू की है। केंद्र सरकार की योजना पंचायत की अगुवाई में भूजल प्रबंधन और व्यवहार संबंधी बदलावों को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बैठक में 6,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चिन्हित क्षेत्रों में 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। तो ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में। और ये जो अटल भूजल योजना है, इसके दो प्रमुख घटक हैं। जो पहला है, राज्यों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करेगा, और दूसरा जो है वो भूजल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करेगा। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं और यहाँ लिखा हुआ है अटल भूजल योजना, ओके, को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। योजना पर 6,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला प्रश्न यहां पर है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन ने नासा की सिफारिश पर एक ऑक्सीजन पार्लर खोला है। ये छठा प्रश्न है और इसके लिए हमारा उत्तर क्या होने वाला है, पांचवा प्रश्न है, माफ कीजिए, नासिक रेलवे स्टेशन। आंसर यहां पर क्या है, हमारा आंसर है नासिक रेलवे स्टेशन, बी राइट आंसर है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया गया है। यह पहल भारतीय रेलवे के सहयोग से वहां पर एरो गार्ड ने की है। ऑक्सीजन पार्लर की जो अवधारणा है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिश पर आधारित है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, एक इस तरह का ना ग्लास चेम्बर है, उस ग्लास चेम्बर के भीतर ये इस तरह के पौधे हैं बहुत सारे जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जिस किसी को अंदर जाकर, आप आराम से अंदर जाएंगे तो बहुत सारी ऑक्सीजन होगी, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीजन पार्लर। बल्कि इनफैक्ट अगर आप यहाँ से कोई पौधा खरीदना चाहते हैं तो आप पौधे को खरीद भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर पैसे देने होंगे। ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखो, स्वदेशी रूप से विकासशील सर्वत्र कवच बनाने के लिए प्रतिष्ठित सेना डिजाइन ब्यूरो उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। छठा प्रश्न है और आंसर होगा यहाँ पर मेजर अनूप मिश्रा। आंसर यहाँ पर क्या है, आंसर हमारा जो है यहाँ पर डी है, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सेना के मेजर हैं अनूप मिश्रा, उन्होंने सर्वत्र कमच नाम से एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उसको विकसित किया है। मेजर अनूप शर्मा जो हैं, उनकी इस उपलब्धि के लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उन्हें आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सेलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया। मैं आपको मेजर अनूप मिश्रा की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेजर साहब हैं, आपको यहाँ पर तस्वीर में स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। और 23 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित जो आर्मी टेक्नोलॉजी सेमिनार था उसमें पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2019 की थीम क्या है, ये हमारा प्रश्न है, सातवां प्रश्न। आंसर है यहाँ पर वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत विवाद निवारण, ऑल्टरनेट कंज्यूमर ग्रेवांस डिस्प्यूट रिड्रेसल। आंसर यहाँ पर सेवन के लिए क्या है, हमारा सेवन के लिए आंसर जो है वो बी होगा। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2019 की थीम जो है वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत विवाद निवारण। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है 1986, उसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस दिन जो है ये दिन मनाया जाता है। ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेवन, आप तस्वीर भी देखो, 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे 2019। आगे चलते हैं, ये है आपके सामने प्रश्न आठ, स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यूनिसेफ ने तेलंगाना के किस जिले को सम्मानित किया है। ये आठवां प्रश्न है और आंसर है यहाँ पर कामा रेड्डी। आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर जो है वो डी होगा।
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल और शिक्षा कोष यूनिसेफ ने वर्ष 2019 के लिए जल स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना के कामारेड्डी जिले को सम्मानित किया है। ये जो पुरस्कार है व्यक्तिगत सैनिटरी लैब्स के निर्माण, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सागर और अन्य गतिविधियों जैसी श्रेणियों के लिए इनको दिया जाता है। तो जानकारी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में है। ये बात हुई है तेलंगाना की, मैप में तेलंगाना देखना बनता है, तो ये देखिए ये जो है ये तेलंगाना है। यहाँ पर राजधानी जो है हैदराबाद है, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, और यहाँ पर पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कनेरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजिरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एटुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी जो है यहाँ पर लोकेटेड है। अगला प्रश्न जो है वो है 17वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा। ये प्रश्न है आपके सामने और आंसर है इसका ब्रुसेल्स। आंसर यहाँ पर हमारा जो है बी है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 2020 की शुरुआत में 17वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना है। तो कौन सा शहर करेगा, शहर जो है वो है ब्रुसेल्स। और ये कहाँ की राजधानी है, ये राजधानी मैंने आपको अभी बताई कि ये जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कहां पर है बेल्जियम, उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए और ये देखिए ये बेल्जियम है, यूरोप में लोकेटेड है बेल्जियम। ठीक है, यूरोप में लोकेटेड है बेल्जियम, यहां पर कैपिटल ब्रुसेल्स है और करेंसी जो है वो यूरो है। अगला प्रश्न, भारत की पहली लंबी दूरी की सीएनजी बस एक बार में लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यह अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आंसर यहां पर हमारा क्या होगा, आंसर जो है यहां पर है 1000 किलोमीटर। हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, आंसर जो है वो सी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की पहली लंबी दूरी की सीएनजी बस का अनावरण किया है। परियोजना को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL द्वारा निष्पादित किया गया है और बसों में टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर के अग्रणी डिजाइन के माध्यम से हासिल किया गया है। समग्र सीएनजी सिलेंडर एक ही भराव में लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो ये था प्रश्न 10 और अब मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं और अब हम आ जाते हैं समरी कीवर्ड्स पर। रोहतांग टनल जो है हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर होगा। नए प्रेसिडेंट बने हैं एस्कॉम के, जिनका नाम है निरंजन हिरनदानी। 4 गोल्ड मेडल जीते हैं एक ही दिन में मनु भाकर ने और अनीश भनवाला ने। अटल भूजल योजना पर टोटल आउटले जो है वो 6000 करोड़ का होगा। ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है नासिक रेलवे स्टेशन में। महाराष्ट्र में आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सेलेंस अवार्ड मिला है सर्वत्र कवच के लिए मेजर अनूप मिश्रा को। जो थीम थी नेशनल कंज्यूमर डे की वो थी अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रेवांस डिस्प्यूट रिड्रेसल। यूनिसेफ अवार्ड मिला है डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना को स्वच्छ भारत मिशन के लिए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मिला है, मिला है वहां पर तेलंगाना की कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को। 17वां इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट 2020 ब्रुसेल्स में होगा और इंडिया की जो पहली लॉन्ग डिस्टेंस सीएनजी बस है वो एक सिंगल फिल्म में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। पहला प्रश्न देखो, यहां पर आपसे पूछा गया है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, पहला प्रश्न। और केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम जो है वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है, आप मुझे बताइए कि उन पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगी कि हाल ही में झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ओके, हेमंत सोरेन, आप मुझे बताइए कि वो झारखंड के कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ उनके पिता का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए।
तो ये थी जानकारी आज की करंट अफेयर्स के बारे में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, वीडियो को जितना संभव हो सके लाइक करो, जितना संभव हो सके शेयर करो और निसंदेह चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट्स भी विजिट करें। ऑल द बेस्ट, देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।